गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लिस्ट इन HTML। हम लोग HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, लिस्ट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिस्ट क्या होता है। देखो लिस्ट का मतलब होता है टू अरेंज डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वे। आप एक डेटा को ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड करने का मतलब होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस, एंड अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बुलेटेड फॉर्म, ठीक है, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं हो, उस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं। और जिसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है उस डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड डेटा बोलते हैं। HTML में भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स का लिस्ट क्रिएट करते हैं, वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना HTML एडिटर ओपन कर लोगे। देखो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे ओपन कर लिया Notepad++। Notepad++ एडिटर मेरे पास था, आप कोई भी एडिटर ओपन कर लोगे। तो मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से न्यू फाइल ले लिया और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। इस फाइल को मैंने सेव एज कर दिया डेस्कटॉप पे, मैंने सेव एज कर दिया डेस्कटॉप पे order.html, order.html, order.html से मैंने इसको order.html से मैंने इसको सेव कर लिया। देखो जनरली HTML में जब हम लिस्ट बनाते हैं तो मेनली फोर टाइप्स का लिस्ट बनता है। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड अनऑर्डर लिस्ट, थर्ड इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट और लास्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मेनली हम लोग फोर टाइप्स का लिस्ट बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो ऑर्डर लिस्ट जब भी हमको बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग जो है ओएल टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करेंगे, ओएल टैग। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप हेड सेक्शन लिखोगे, आप HTML से स्टार्ट करोगे, HTML हेड टाइटल टाइटल और वेब पेज। टाइटल को आपने क्लोज कर दिया, टाइटल को आप क्लोज कर दो और HTML को क्लोज कर दो, सॉरी हेड को क्लोज कर दो। देखो आपका हेड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बॉडी सेक्शन में आते हैं हम लोग। बॉडी, और बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया। देखो बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया और HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया, HTML को मैंने क्लोज कर दिया। हम लोग HTML में क्या देख रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में इन करेंगे। सबसे पहले हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अनऑर्डर देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो नेस्टेड लिस्ट देखेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डिफरेंट लिस्ट को हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप जो टैग यूज करोगे वो ओएल टैग यूज करोगे, ओएल। देखो मैंने यहाँ ओएल टैग यूज कर लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ लिस्ट, देखो लिस्ट जब भी लिस्ट आइटम हमको बनाना होता है तो एलआई टैग का यूज हम लोग करते हैं। एलआई टैग इज यूज फॉर क्रिएट मेक अ लिस्ट आइटम्स, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे एलआई टैग यूज किया और मैंने लिखा एप्पल,
चलो मैंने एलआई को क्लोज कर दिया, फिर से मैंने एलआई लिया पाइनएप्पल पाइनएप्पल, और फिर से मैंने एलआई को क्लोज कर दिया, ठीक है, फिर से एलआई लिया बनाना बनाना, और फिर से मैंने एलआई को क्लोज कर दिया। अब हम जब इसको फिर ओएल को भी मैंने क्लोज कर दिया, चलो मैंने ओएल को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करेंगे। अब जब हम इसका व्यू देखेंगे, आप इसका व्यू देखो, देखो ये ऑर्डर डॉट एच टी एम एल है ना, आप इसको ओपन करके देखो, देखो ये 1 2 3, देखो एक सीक्वेंस में आइटम्स को अरेंज किया है, ये देखो 1 2 3। तो अगर हमको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना हो विद इन वेब पेज, तो हम लोग क्या करेंगे, ओएल टैग का यूज करेंगे। और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते समय जब हम लिस्ट आइटम्स बनाएंगे, तो उसके लिए एलआई टैग का यूज करेंगे। ओके क्लियर। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे। अब मैंने मिनिमाइज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये ओपन कर लेंगे। अब हम ओएल टैग का कुछ एट्रीब्यूट देखेंगे, ठीक है। देखो ओएल टैग का जो मेनली जो एट्रीब्यूट होता है वो दो होता है, एक टाइप होता है और एक स्टार्ट होता है। देखो टाइप जो है वो बताता है कि आप अल्फाबेट का लिस्ट बना रहे हो या फिर नंबर का लिस्ट बना रहे हो, आप किस टाइप का लिस्ट बना रहे हो, क्या बना रहे हो वो बताता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे अभी तो देखो कि आपने ऑर्डर लिस्ट यूज किया तो देखा 1 2 3 4 में आ गया। अगर हमको जो है रोमिन का लिस्ट बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप यूज कर लिया, टाइप टाइप इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे रोमिन यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे रोमेन यूज कर लिया, कंट्रोल एस किया, तो देखोगे क्या कि ये जो लिस्ट आइटम है तुम्हारा, आप इसको मिनिमाइज कर लो, हाँ इसको भी आप मिनिमाइज कर लो, और ये जो लिस्ट आइटम है आपका, इसको क्लोज कर दीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। तो देखोगे क्या कि ये रोमेन के फॉर्मेट में तुम्हारा डिस्प्ले हो गया है। अब आप इसको रोमेन के फॉर्म में जब भी देखना होगा तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंजेस करके देखते हैं, ठीक है। चलो फिर से मैं देखता हूँ। अब देखो ये तो टाइप हो गया इसका। अब देखो कोई बच्चा कहता है कि सर हम आपने तो 1 2 3 से स्टार्ट किया, अगर हमको 4 5 6 से स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे। तो मैंने बताया था कि ओएल टैग का दो एट्रीब्यूट होता है, एक होता है तुम्हारा टाइप और सेकंड क्या होता है तुम्हारा स्टार्ट। चलो स्टार्ट STARD। अब हम स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, मैंने क्या कर दिया 4 से स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब देखोगे क्या, जब आप इसका व्यू देखोगे, इसको मिनिमाइज कर लो, अब तुम इस ब्राउजर का व्यू देखो, यहाँ से आप देखोगे क्या, रिफ्रेश करोगे तो देखोगे क्या कि 4 5 6 से तुम्हारा ये जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा तुमको, देखो यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कर दो, अब तुम इसके एडिटर को ओपन कर लो, ठीक है। तो आपने देखा कि टाइप और स्टार्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से आप लिस्ट आइटम्स के नंबरिंग
आप देखो एक अल्फाबेट का करके दिखा देते हैं, बहुत बच्चा का आ रहा था कि सर अल्फाबेट का करके दिखा। चलो मैंने ए से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने ए से स्टार्ट किया है, ए टाइप दिया है और स्टार्ट कितना से किया है, फोर से किया है। चलो अब जब इसका आप व्यू देखोगे, इसको मिनिमाइज कर लो, और इसका व्यू जब देखोगे आप इस टाइप से, जब व्यू देखोगे इसको, चलो रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश, तो देखोगे क्या ये, इसको क्लोज ही कर दो, ज्यादा अच्छा है वहां से देख लो। एक मिनट, आप इस कोड को देखो, आपने किस से स्टार्ट किया, टाइप इक्वल टू ए, और स्टार्ट किया है फोर से, स्टार्ट किससे किया है, फोर से किया है, ठीक है। मैं इसको और डी से स्टार्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, और इसको ओपन करके देखता हूँ। अब हम इसको देखो, अब ए बी सी तो ए हो गया तुम्हारा, अल्फाबेट में हो गया। अब हमको इसको स्टार्ट किससे करना है, अब इसको हमको स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट करना है, टू से। किससे स्टार्ट करना है, टू से, क्योंकि वो नहीं ले रहा था, तीन ही आइटम है इसलिए नहीं ले रहा था। अब हम बी से स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एस कर लिया, अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो कि बी सी डी अब ये चेंजेस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करके हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग लिस्ट आइटम्स को अनऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करके। इसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो यूएल टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग यूज करेंगे, यूएल टैग यूज करेंगे, ठीक है। चलो यूएल में मैंने बना लिया एनिमल, एनिमल्स, और इसमें भी मैंने एलआई ले लिया, और यहां पे मैंने ले लिया काउ, एलआई को मैंने क्लोज कर दिया, एलआई लिया, फॉक्स एलआई। देखो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं लिस्ट बना रहा हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे डॉग, और मैंने इसको एलआई को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यूएल को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके जब आप इसका व्यू देखोगे ब्राउजर पे, आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए और इसका व्यू देखो, अब देखोगे क्या कि इसके नीचे जो है एक अनऑर्डर लिस्ट बन गया जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका भी कुछ एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है यूएल टैग का, वो टाइप है, इसका स्टार्ट नहीं होता है क्योंकि अनऑर्डर है ना, एबुलेटेड फॉर्मेलिटी। देखो स्टार्ट करने के लिए आप स्क्वायर यूज कर सकते हो, स्क्वायर का यूज कर सकते हो, स्क्वायर का मैंने यूज कर लिया, टाइप स्क्वायर, कंट्रोल एस किया। अब हम जब इसका व्यू देखेंगे तो देखोगे क्या कि ये स्क्वायर के फॉर्म में, देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मिनिमाइज कर लो, अगर इसको हमको सर्कल करना है तो आप सर्कल भी कर सकते हो, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल और डिस, तीन ही चीज आप इसको करोगे। चलो इसको आप इसको फिर से रिफ्रेश कर लो, देखो ये तुम्हारा सर्कल हो गया। अब तुम इसको क्या कर लो, मिनिमाइज कर लो, और फिर से तुम क्या करो, इसको आप डिस कर दो, कंट्रोल एस, और इसको ओपन करके देखो, आप देखोगे क्या, देखोगे
इसके फॉर्मेट में आ गए। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको लिस्ट को आप अपने वेब पेज पे क्रिएट करके देखना, ठीक है, एक अच्छा सा लिस्ट बनाना, जैसे बुक का कंटेंट बनाया हुआ रहता है आप उस टाइप से बनाना। आज के लिए इतना है, चलो थैंक यू।